आज जो ये सभा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के लिए रखी गई थी, तो हेलीकॉप्टर टेक्निकल कारणों की वजह से जो उत्तराखंड से आ रहा था वो हेलीकॉप्टर खराब हो गया, तो हमारे बीच में यहाँ पर नहीं आ सके। और हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ पहुँचे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला जी, मुझे बताइए, यहाँ ओवैसी जी आने वाले थे जी, उनका प्रोग्राम जो है वो निरस्त कर दिया गया है। जी। इतने लंबे समय के इंतजार के बाद भी यहाँ से निराश लौटे कार्यकर्ता? देखिए, पहली चीज तो ये बताना चाहूंगा, MIM के कार्यकर्ता, MIM के चाहने वाले कभी भी निराश नहीं होते। दूसरी चीज ये है कि कोई दिक्कत और परेशानी की वजह से बैरिस्टर साहब यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। उन्होंने जो है गाड़ी दोबारा भी आने की कोशिश की, लेकिन जो सिक्योरिटी वगैरह जो थी उनके साथ, उन्होंने भी जो है उनको आने की अनुमति नहीं दी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है ये है कि मैं जो है जो यहाँ पर देखने प्रोग्राम आए थे बैरिस्टर साहब को, उनकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। और दूसरी चीज़, MIM के कार्यकर्ता कभी भी जो है क्या नाम है शर्मिंदा नहीं हो सकते, हमेशा उनके हौसले बुलंद रहते हैं। मुस्लिमों में ये अफवाह फैलाई जाती है कि जहां ओवैसी अपने पार्टी का प्रत्याशी उतारते हैं वहां बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए मुस्लिमों की वोट काटते हैं ताकि बीजेपी आसानी से निकल जाए। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, जो लोग ये कहते हैं, मुझे एक बात बताओ, दारुल देवबंद जानी माने जो है विधानसभा है, वहां से जो है सपा पार्टी ने जो है अनिल यादव का टिकट जो है डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन वहाँ उस वक्त तक सपा पार्टी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था। मौलाना महमूद मदनी के पोते मौलाना उमर अहमद मदनी MIM पार्टी से टिकट लिए जी। टिकट लाने के बाद में क्या होता है, सपा पार्टी ने देखो कितनी, जो लोग नुकाम ना बीजेपी को फायदा कौन उठा, मैं बताऊंगा कौन बीजेपी की बीटी में। तो अखिलेश यादव ने उसी दिन जैसे ही मौलाना उमर अहमद मदनी का टिकट हुआ तो मालिक ने खुद भी मुस्लिम को टिकट दे दिया, उसका अनिल यादव का टिकट काट के। अब मुझे बताइए कि बीजेपी की बी टीम कौन है, बीजेपी को फायदा कौन पहुंचा रहा? तो आप ये कह रहे हैं कि सपा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं ना कहीं ना, भैया सीधा सीधा कहूंगा मैं तो, अपर्ण यादव पहुंची उसमें, सीधा सीधा बीजेपी, देखो सपा ही बीजेपी है, उसका खालू भी चला गया। उस सब कुछ बताना रहा हूँ, एक सिक्के के दो पहलू हैं भाई साहब। ये हलवा खोर हैं और हलवा खोरी कर करके मुसलमानों की वोट जो है ले रहे हैं, देते कुछ नहीं है, एजुकेशन की बात नहीं करते। मॉब लिंचिंग अगर होती है मुसलमानों की, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। मौलाना कलीम सिद्दीकी को उठाया, उस पर नहीं एक ट्वीट करा। काशगंज में अल्ताफ को मारा गया, उस पर अखिलेश यादव की आवाज़ नहीं क्या नाम है उठा सके। हर कहीं बोल तो रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और दूसरा नारा और चला दें बीजेपी की बीटी में, कहीं को बीजेपी की बीटी में अखिलेश यादव, सारा अपना परिवार तो उससे सिमल ना रहा, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या सिमा लेगा। अच्छा, ये ओवैसी साहब जो हैं ये मुस्लिमों को साथ लेकर चलते हैं, मुस्लिमों के साथ रहने से सरकार तो बनेगी नहीं, किस तरह की रणनीति बनाकर AIMIM काम कर रही है? मुस्लिमों को कहाँ साथ लेकर चले ओवैसी साहब, सबको साथ लेकर चले। सबसे पहली चीज तो यू है, MIM पार्टी असदुद्दीन ओवैसी सर को बुलंद करके कह रहा हूँ, सिर्फ मुसलमानों की पार्टी ना है और ना ही मुसलमानों को साथ लेकर चलते, वो सिर्फ समाज को लेकर साथ चलते, दलितों की बात करते, पिछड़े समाज की बात करते, और जहाँ पर जुल्म होता है, जालिम जुल्म करते हैं, किसी पे भी होता, उसकी आवाज़ जो है सबसे पहले बुलंद करने का काम असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, चाहे मंच से करते हों और चाहे जो है पार्लियामेंट के अंदर करते हों। हापुड़ जिले में चार पाँच दिन पहले उनकी काफिले पर हमला हुआ, या कहूँ उनकी गाड़ी पर ही हमला हुआ था जी। सोशल मीडिया पर मैंने सबसे ज़्यादा कमेंट पढ़े हैं तो यही पढ़े हैं कि चुनाव का फंडा है, चुनाव की वजह से खुद ही करवा लिया होगा। अब देखो सुनो, आदमी तो यूँ भी कह रहे हैं कि ड्रिल मशीन से छेद करे हुए ये, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरा छाया पड़ा, सचिन जो है वो सचिन नाम का जो किससे मतलब है जी, उसका किससे ताल्लुक है, उसकी फोटो है बीजेपी से मतलब है उसका। हम तो सीधे सीधे खुलेआम कह रहे हैं, हमसे सबसे ज्यादा खौफ अगर आज हमसे किसी को है तो बीजेपी को है। बीजेपी के नेता तो ये कहते हैं हम सचिन को जानते ही नहीं है, वो हमारी पार्टी में ही नहीं। वे तो नू भी ना जानते, ताजमहल को गिरवी रख के वे तो नू भी कहते हैं हमने रखी ना। वे तो क्या नाम है तबरेज अंसारी को पिटवा के कहते हैं हमारे उसमें मॉब लिंचिंग हुई ना। वे तो नू भी कहते हैं कि गुंडा राज खत्म होगा, यू ऐसे होगा फिर अटैक, ये तो झूठे हैं मक्का आनंद एक नंबर के। बीजेपी भी ये कहती है सबका साथ सबका विकास करते हैं, बीजेपी ने सबका साथ सबका विश्वास करा तो है, देखो जाके गड्ढे जो है ज्यादा हैं सड़क कम है। चलो मेरे गांव को मुरादपुर को मैं दिखाऊंगा, विधायक कमल मलिक 5 साल बीजेपी का रहा, अब मुरादपुर की आज तक सड़क ना बनी। सबका साथ सबका विश्वास है, यू यहाँ गुड़िया को मारा जाता उस पर क्या नाम है कोई नहीं बोलता, और जो है क्या नाम है काशगंज में मारा गया कलीम सिद्दीकी साहब के ऊपर जो है आरोप लगाए गए झूठे मूठे, कभी कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, माँ बहन जो है सही से सफर नहीं कर सकती, ये सबका साथ सबका विश्वास है, यू बीजेपी एक नंबर की झूठी है मक्कार है एक नंबर के। बहुत ही
महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज के जो प्रोग्राम आप सबके इतने ताउन से अभी तक चला और आप भूखे प्यासे यहां पर बैठे रहे, सबसे पहले मैं सिकंदराबाद की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं और उनकी हिम्मत की हौसला अफजाई करता हूं कि उन्होंने हमें इतना बड़ा और अच्छा वक्त दिया। आज जो ये सभा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के लिए रखी गई थी, जो हेलीकॉप्टर टेक्निकल कारणों की वजह से जो उत्तराखंड से आ रहा था वो किसी वजह से वो हेलीकॉप्टर खराब हो गया और खराब होने की वजह से वो हमारे बीच में यहाँ पर नहीं आ सके। हम सिकंदराबाद की आवाम से बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं और माफ़ी के साथ में हम सभी का शुक्रिया अदा भी करते हैं। और जो लोग हमारे बाहर से आए हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो सारे लोग कार्यालय पर पहुँचें और खाना खाकर जाएं इंशाल्लाह। सभी के लिए मैं एक बार फिर कहता हूँ हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि वो नहीं आ सके, लेकिन हमारी इसमें कोई वजह नहीं, ये टेक्निकल वजह रही है और जो भी वजह रही हमने आपको बता दिया। हम सबका फिर एक बार से शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।